और बात करते हैं ग्वालियर की, जहां के नगर निगम के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर पीएचई के असिस्टेंट इंजीनियर ने पोर्न वीडियो अपलोड कर दिया। 4 मिनट के सुहागरात के वीडियो ने अफसरों को कहने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद पूरे नगर निगम में काम धंधा छोड़कर इंजीनियर के भेजे वीडियो की ही अब चर्चा होने लगी। ये वीडियो कई ग्रुप्स में वायरल होने लगा वहीं जिस ग्रुप में यह इंजीनियर ने डाला था, वहां नगर निगम आयुक्त सिर्फ आदेश और निर्देश जारी करते हैं। इंजीनियर की इस हरकत पर आयुक्त किशोर कान्याल काफी नाराज हुए। उन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है, क्यों ना आपको सस्पेंड कर दिया जाए। 3 दिन के भीतर इस मामले में जवाब भी मांगा है। असिस्टेंट इंजीनियर अब लोगों से ये कहते हुए फिर रहे हैं कि वो गलती से सेंड हो गया, फिलहाल उनके सिर पर नोटिस की तलवार लटकी है। नगर निगम ग्वालियर में अफसरों के कामकाज से लेकर सफाई कर्मचारियों पर निगरानी के लिए कई ऑफिशियल ग्रुप हैं, जिनमें से एक ग्रुप में सभी इंजीनियर विभाग के प्रमुख जुड़े हुए हैं। इस ग्रुप को खुद निगमायुक्त किशोर कान्याल संचालित करते हैं। इसमें अफसरों के लिए आदेश और निर्देश जारी किए जाते हैं और इसी ग्रुप में नगर निगम के पीएचई विभाग के सहायक यंत्री डीके गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। इनकी उम्र लगभग 59 वर्ष है। निगम के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर उन्होंने शाम के समय एक 4 मिनट का वीडियो अपलोड कर दिया। इंजीनियर के मोबाइल से आए वीडियो ने ग्रुप पर ऐसी हलचल पैदा की कि हंगामा खड़ा हो गया। ये एक पोर्न वीडियो था। इंजीनियर तो वीडियो डालकर भूल भी गए, लेकिन निगम में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कुछ ही देर में ये निगम आयुक्त के पास भी पहुंच गया। ग्रुप में इस तरह की वीडियो को देखकर वो काफी नाराज हुए। निगम आयुक्त ने इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में लिखा गया है कि 12 जून 2022 को आपके द्वारा नगर निगम के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप पर वीडियो शेयर किया गया है, जो आपत्तिजनक होने के साथ ही अन्य सेवकों पर विपरीत उदाहरण पेश करता है। आप शासकीय सेवक हैं, अतः आपका ये कृत्य शासकीय सेवकों के लिए निर्धारित नियमों के खिलाफ है। क्यों ना आपके खिलाफ इस नियम के तहत सस्पेंड की कार्रवाई कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण 3 दिन के भीतर लिखित दे, अन्यथा आपके खिलाफ नियम के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।